हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चकदेब इन नॉलेज। चकदेब इन नॉलेज में हम एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर मर्ज कर देगा, यानी कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का मर्जर राज्य सहकारी बैंकों में कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 के अंतर्गत लाया गया है और ये 1 अप्रैल 2021 से इफेक्टिव हो चुका है, क्योंकि केंद्र सरकार ऑलरेडी इन बैंकों को इस एक्ट के अंदर ला चुकी है। तो अभी इनके मर्जर पर जो घोषणा होगी, यानी कि जो अप्रूवल होगा, वो आरबीआई के अंतर्गत होगा, यानी कि आरबीआई अब इन बैंकों के मर्जर को अप्रूव कर सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, आइए उनको भी जान लेते हैं। मर्जर के लिए पहली कंडीशन ये है कि जो मर्जर का प्रपोजल होगा वो उस पर्टिकुलर बैंक की राज्य सरकार द्वारा दिया जाए, यानी कि राज्य सरकार रिकमेंडेशन करे उस मर्जर के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि कुछ राज्य सरकारों ने उससे ऑलरेडी संपर्क किया है और वो इन बैंकों के मर्जर के लिए एग्री हैं और उन्होंने रिकमेंडेशन किया है। मर्जर में आने वाली सभी लीगल समस्याओं को राज्य सरकार को ही निपटना होगा। राज्य सरकारों से प्रपोजल आने के बाद नाबार्ड उसको एग्जामिन करेगा और आरबीआई को भेजेगा अपनी रिकमेंडेशन के बाद। मर्जर के लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल होना भी जरूरी है। इस मर्जर के परिणाम स्वरूप अगर शेयर स्वैप के टाइम से जो बैंक मर्ज होगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, उसके शेयर धारक को पूरा शेयर नहीं मिलता है, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो कैपिटल का इन्फ्यूजन करे जिससे कि शेयर धारक को कम से कम एक शेयर जरूर मिल जाए। अगर ये सभी कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो आरबीआई अपना इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे देगा मर्जर के लिए और उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है। बड़ा अजीब सा लगता है जब ये सुनने में आए कि यूनियन ने डिमांड किया है किसी मर्जर के लिए, लेकिन सच्चाई यही है। बैंक यूनियन ने डिमांड की है कि रीजनल रूरल बैंक्स को उनके स्पॉन्सर बैंक्स के अंदर मर्ज कर दिया जाए। यूनियन का कहना है कि इससे आरआरबी की वीकनेस खत्म हो जाएगी, इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज होते हैं उनमें सेविंग होगी, और थर्ड लॉजिक है कि जो कंपटीशन स्पॉन्सर ही उनको देता है वो नहीं रहेगा। लेकिन आरआरबी का स्पॉन्सर बैंक में मर्जर एक तरह से इनडायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन का रूप ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आरआरबी का मर्जर स्पॉन्सर बैंक में हो जाता है और स्पॉन्सर बैंक, यानी कि जो गवर्नमेंट की ऑलरेडी घोषणा है कि दो बैंकों को वो प्राइवेटाइज कर देगा, अगर उनमें से कोई स्पॉन्सर बैंक हुआ तो ये जो आरआरबी होंगी वो ऑटोमेटिकली प्राइवेटाइज हो जाएंगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट हैं, लेकिन हमने अपने सर्वे में पूछा था कि गवर्नमेंट अगर फिर भी किसी दो बैंकों को प्राइवेटाइज करता है तो वो कौन से होंगे। तो जो हमने ऑप्शन दिए थे, वो पहला ऑप्शन था इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सेकेंड ऑप्शन में हमने दिए थे बैंक ऑफ इंडिया और CBI, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड ऑप्शन में हमने दिए थे इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। फोर्थ और सबसे लास्ट ऑप्शन था, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि वो पेयर कोई और ही होगा। तो वोट मिले हैं फर्स्ट ऑप्शन को 45%, सेकंड को 24%, थर्ड को 11% और फोर्थ को 19%, यानी कि पहला पेयर जो है वो मोस्ट टारगेटेड है हमारे व्यूअर्स के हिसाब से। थैंक यू ऑल व्यूअर्स फॉर योर वोटिंग्स। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि मार्च 2022 तक, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में BPCL, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, BEML, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड बेच दिए जाएंगे और LIC का IPO भी मार्च 2022 में आने की उम्मीद है। गवर्नमेंट का डाइवेस्टमेंट का जो टारगेट है वो 1.7 लाख करोड़ है। जिन कंपनियों के नाम अभी हमने बोले उनसे गवर्नमेंट को मिलेंगे 75,000 करोड़ और बाकी के पैसे, यानी कि 1 लाख करोड़ मिलेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बेच के। ये है गवर्नमेंट की उम्मीदें। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज घंटी जरूर बजा दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।